सिटी न्यूज़ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी महारथियों की। तो आज आपको दिखाते हैं बॉम्बे हौजरी के राकेश सेठी की कहानी। सर, आपका जन्म कहाँ हुआ? मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, 1961 में, 20 अगस्त 1961 दिल्ली में जन्म हुआ। और लगभग मेरी एज जब 1 साल के आसपास थी तो मदर साहब बरेली शिफ्ट हो गए। अच्छा। यहाँ उन्होंने समय रेडीमेड रिटेल का एक आउटलेट खोला है गारमेंट सेंटर के नाम से। तो सर, लगभग कितनी उम्र रही होगी आपकी जब आपने ये बिजनेस स्टार्टअप किया? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, 1961 में हमारे यहाँ काम स्टार्ट हुआ। उसके बाद हम तो उस समय बहुत छोटे थे, धीरे धीरे उस समय एक शॉप थी, फिर धीरे धीरे दूसरी हुई थी। तीन पार्टनर्स थे, तीनों ने अलग अलग शोरूम खोले। इसके बाद हम लोग 1983 में होलसेल में आए, तो मैंने 83 से ही काम संभाला है। तब से लेके अब तक इसी व्यवसाय में है, होलसेल ही कर रहे हैं। और हमारे साथ मेरे फादर साहब थे, उनके साथ हमने होलसेल स्टार्ट किया था 1983 में। और कुमार टाइग के पीछे एक बहुत बड़ा मार्केट है रेडीमेड होलसेल का, वहाँ से एक छोटी सी दुकान से स्टार्ट किया, जो फिर हम 92-93 में गोल मार्केट में शिफ्ट हुए धीरे धीरे और काम बढ़ता गया। उसके बाद 2013 में हम लोग प्रेमनगर में आ गए, क्योंकि हमें वहाँ जगह की कमी पड़ रही थी और बड़ी जगह नहीं मिल रही थी। तो हमने सोचा कि मार्केट से हट के एक बड़ा आउटलेट बनाया जाए, वहाँ अपने रिटेलर्स को एक ही छत के नीचे पूरे हिंदुस्तान की रेंज प्रोवाइड कराई जाए। 2013 में इसको तीन चार दिन बाद अभी 10 साल हो जाएंगे, 10th एनिवर्सरी हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं वहाँ प्रेमनगर। 1 फरवरी 2013 को हमने यहाँ ओपनिंग, 10 साल से हम लोग यहाँ। सर, इस पूरे 10 साल के समय में आपको किन किन समस्याओं का सामना, क्या क्या दिक्कतें आपके सामने? देखिए, इन 10 सालों में तो कोई दिक्कत नहीं आई, ऊपर वाले की बड़ाई, ऊपर वाले के आशीर्वाद से और हमारे बुजुर्गों के आशीर्वाद से इतने दिन बहुत अच्छा रहा। लेकिन दिक्कत का टाइम जो था वो 83 से और 90 के बीच कई तरह की दिक्कतें आई, फाइनेंशली भी आई। उस समय इतना ऐसा नहीं हुआ करता था, छोटी सी पूंजी से हमने काम स्टार्ट किया था, धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़े बाद आज इस काम तक पहुँचे हैं। और 2015 में हमारे बच्चे भी हमारे साथ आ गए सेठी, जो 2015 में बीबीए और एमबीए करके हमारे साथ धार बटाया, और पिछले 8 साल से वो ही देख रहे हैं ज़्यादातर, हमसे अच्छा कर रहे हैं। और अभी 2 साल पहले हमारे छोटे भतीजे साहब उनके साथ ही हाथ बटा रहे हैं, गौतम सेठी जी। पिछले लगभग 42-43 साल से हम लोग इसी व्यवसाय में, और हम ही नहीं, हमारा पूरा परिवार ही नहीं, हमारा पूरा कुटुंब इसी व्यवसाय में जी। हमारे मामा जी, हमारे चाचा जी, हमारे एक और मामा जी, हमारे फूफा जी, हमारे जीजा जी, हमारे कजन्स, सभी रेडीमेड रिटेल या होलसेल में की। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती है जो पब्लिक बताई नहीं जा सकती, लेकिन कुछ तो चैलेंज ऐसे थे, हिम्मत नहीं हारी शुरू से आज तक। और हमारे व्यापारिक गुरु हैं नरेंद्र गुप्ता, सिलेक्शन पॉइंट के जो ऑनर हैं, उन्होंने और हमने दोनों ने 72 से हमारी दोस्ती हुई है, और 78 में उन्होंने स्टार्ट किया और 83 में हमारा काम स्टार्ट हुआ था। तो उन्होंने मुझे हिम्मत दी है और उन्होंने एक ही चीज़ सिखाई है कि कभी मेहनत से पीछे मत हटिए, हमेशा ईमानदारी से काम कीजिए। उसके बाद बुजुर्गों ने जो हमें शिक्षा दी उसी पे आज तक चल रहे हैं, उसी में हमारे बच्चे चल रहे हैं, और हमें अपने कस्टमर्स का बहुत प्यार मिल रहा है। अच्छे से अच्छे ब्रांड्स, टॉप ब्रांड, लीडिंग ब्रांड्स जो होते हैं वो हम लोग उनको एक ही छत के नीचे प्रोवाइड करवाते हैं। और हमारा जो ज़्यादातर कस्टमर है
जो अभी तक दिल्ली, लुधियाना, कानपुर, बॉम्बे वगैरह जाते थे, उनका ये कहना है कि हमें बरेली में आप पूरी रेंज करवा देते हैं, इसलिए हमें बाहर जाना ही बंद हो गया, आपके यहाँ से पूरा हिंदुस्तान यही मिल जाता है। जब आप संघर्ष के दौर में चलते हैं, उस समय सर फैमिली में जी, मैं अपने परिवार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे फादर ने हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी मदर और फादर ने। जब काम स्टार्ट किया था, अनमैरिड था, 1988 में मैरिज हुई है, और उसके बाद मेरी मिसेस जो है उन्होंने हमारा पूरा साथ दिया, बच्चों ने साथ दिया। जब आप ये सारा सफर तय करके आए, तो आप किस पॉजिटिव थिंकिंग के साथ चले? नहीं, मैंने नेगेटिविटी तो मेरी डिक्शनरी में ही नहीं है। किसी भी काम को करने की इच्छा हमेशा रही है, और हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की इच्छा रहती है और हिम्मत रहती है, और यही सोचा है कि हमें हिम्मत करनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा गलत होगा, नुकसान होगा, एक बार लॉस होगा, दो बार लॉस होगा, तीसरी बार हमें सक्सेस मिलेगा। और ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ कि हमने कुछ अच्छे ब्रांड्स लाने की कोशिश की, नहीं चले, लेकिन धीरे धीरे कस्टमर का रुझान जब इधर हुआ, उसको पता लगा कि बरेली में इतने अच्छे रेंज भी मिलती है, धीरे धीरे आज हम उस मुकाम पे पहुंचे। लेकिन नफा नुकसान तो देखिए बिजनेस का हिस्सा है, जी, ये चलता रहता है। बरेली की जो जनता है, जो आपको देख रही है, सर उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं बरेली की ही नहीं, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर के एरिया की जनता और मेरे जो कस्टमर्स हैं और मेरे जो फ्रेंड्स हैं, उनका मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने हर मुश्किल की घड़ी में मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे और मुझे हमेशा हिम्मत दी। कभी कई बार बहुत से चांस ऐसे आए कि मुझे डर लगता था कि आगे क्या होगा, उन्होंने हमेशा मेरी पीठ पे हाथ रखा कि आप आगे बढ़िए, हमेशा बढ़िया बढ़िया ही रहा, सक्सेस मिलती रही।